आज एक ऐसा शुभ दिन है जिस दिन महाराज हरि सिंह जी का जन्म हुआ है। आज 123 वर्ष हो गए हैं। इस जम्मू कश्मीर रियासत का जिस प्रकार आप भलीभांति जानते हैं, ये कभी किसी के अधीन नहीं रही, ना मुगलों के ना अंग्रेजों के। जहाँ स्वयं शासन महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा अमर सिंह और महाराजा फिर उसके बाद हरि सिंह जी की हुकूमत रही है। बहुत सारे रिफॉर्म्स जिस प्रकार बाकी देशों में थे, उसी प्रकार यहाँ भी देखने को मिला है। छुआछूत का इनके जिस प्रकार नाम नहीं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, रोड कनेक्टिविटी के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। महाराज साहब इतने इनके बुद्धिजीवी थे और समाज को जिस प्रकार की दिशा देते थे वो, और पूरे समाज को अपना मानते थे। कहते हैं कि एक उनका दोस्त आया था और श्रीनगर से आ रहे थे। रास्ते में उस दोस्त ने एक गुज्जर लड़की को देखकर कुछ व्यंग किया, तो महाराज साहब इतने गुस्से में आए, उसे अपनी कार से उतार दिया और उसको कहा तुम पैदल आओ। यानी कि यहाँ के हर बच्ची को अपनी बेटी मानते थे। इस प्रकार का व्यक्ति अपने समाज को अपने बच्चों के समान समझता हो, वो किस दिन यानी कि प्रगति करता है। इसलिए आज के शुभ अवसर पर हम उनको याद करें और याद करने के उपरांत श्रद्धांजलि भी दें, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलें। और उनका जन्मदिन एक ऐसा जन्मदिन मनाया जाए जिस दिन हम दिवाली जैसे मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, बाकी उत्सव रहते हैं, उसी प्रकार के उत्सव जे भी उत्सव होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की जनता को गौरव होना चाहिए कि हमें ऐसा एक ऐसा शासक मिला जिसने सैन की सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के बाद पूरे समाज के बारे में विचार किया। और आज के शुभ दिन पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ महाराज साहब के जन्मदिन के लिए, और आशीष देते हुए और शुभकामनाएं करता हूँ कि आपको सत्मार्ग दे और जम्मू कश्मीर जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है वो परिस्थितियाँ भी खत्म हों और बिल्कुल शांति बहाली का आगे का रास्ता अपनाते हुए हम देश के साथ जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनका जन्म मनाते हुए हम उनको यानी कि जनता को बधाई देते हैं।